हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उषाज क्यूजिन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकौड़े की रेसिपी, जो आपके लंच या डिनर को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टी बना देगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पकौड़े बना लेते हैं। इसके लिए बोल में लेंगे 2 कप बेसन। अब इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 टीस्पून अजवाइन जिसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे, और 1 टीस्पून घी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थिक बैटर तैयार करेंगे। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा और पकौड़े का शेप प्रॉपर नहीं आएगा और वो फ्लैट बनेंगे। अब आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी ही थिक होनी चाहिए। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे पकोड़े फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेंगे। तो ये परफेक्ट पकोड़े बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, आप इस प्रोसेस को फॉलो ज़रूर करें। अच्छे से फेंटने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, कड़ी पत्ता और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, अब चलते हैं इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है और अभी इसका टेम्परेचर मीडियम है, और एक बार में जितने पकोड़े इसमें आ जाए उतने हम इसमें डाल देंगे। अगर आप बिगनर हैं और हाथों से पकोड़े डालने में डर लगता है तो आप स्पून की हेल्प से भी पकोड़े डाल सकते हैं। अब ये नीचे से फॉर्म हो गए हैं, अब एक एक पकोड़े को पलटा देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। अब पकोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये जो आप पकोड़ों में छोटे छोटे होल्स और क्रैक्स देख रहे हैं, यही सही पकोड़ों का राइट इंडिकेशन है कि ये जब कढ़ी में जाएंगे तो ये कढ़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे और आपके पकोड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के पकोड़े भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, और पकोड़े मैंने थोड़े ज़्यादा ही बनाए हैं क्योंकि ये मेरे घर आधे से ज़्यादा कढ़ी में जाने से पहले ही ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये पकोड़े अंदर से कितने फ्लफी और सॉफ्ट बने हैं। तो पकोड़े तो बन गए, अब चलते हैं कढ़ी बनाने। तो मैं कढ़ी बनाने का सबसे आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपकी मेहनत भी बचेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने जार में लिया है 2 कप दही। अगर कढ़ी आपको ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप दिन भर दही को फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखें, जिससे दही खट्टी हो जाएगी और आपकी कढ़ी खट्टी बनेगी। अगर आपको ज़्यादा खट्टी कढ़ी पसंद नहीं है तो आप फ्रेश दही से कढ़ी बनाएं। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप बेसन यानी 4 बड़ी चम्मच बेसन, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए, हो गया ना आपका काम आसान। बिना फेटे बिना मथे कढ़ी का एकदम स्मूथ मिक्स बिल्कुल तैयार है। अब मैंने ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हींग, 1 तेज पत्ता, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको प्याज पसंद है तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाने के बाद अब इसमें डाल देंगे कढ़ी का मिक्स और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। कढ़ी में बॉईल आने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। तो कढ़ी में बॉईल आ चुका है और अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और कढ़ी बॉईल होने के बाद ही डालें, क्योंकि कभी कभी नमक पहले डालने से कढ़ी के फटने के चांसेस रहते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से कढ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो अब कढ़ी पक चुकी है, अब इसमें सारे पकौड़े डाल देंगे और इसमें एक बॉईल आने देंगे। तो अब कढ़ी में बॉईल आ चुका है और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और गैस को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, हमारा कढ़ी पकौड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें लगाएंगे तड़का। इसके लिए गरम तेल में डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से कड़ी पत्ते, और इसे डाल देंगे कढ़ी में और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी आपको कढ़ी थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन ये जैसे जैसे थोड़ी ठंडी होगी ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी।
तो लीजिए, हमारी पकोड़े वाली कढ़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे राइस, रोटी, पराठे किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको कढ़ी पकौड़े की रेसिपी, ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर उसे बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए उषा'स क्यूज़िन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।